तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ। और गाइस, आज कुछ अलग बात करने वाले हैं। तो यस गाइस, हमने बहुत पहले किंग ब्लेडर सेट लिया, और गाइस ये पहला किंग ब्लेडर सेट नहीं जो मैंने लिया था, मेरे पास एक और ऑलरेडी है। तो मेरे पास एक्चुअली में दो किंग ब्लेडर सेट हैं, तो मैं यूज़ करता रहता हूँ गाइस, और अच्छी चीज़ों को स्टॉक में रखना इज़ ऑलवेज़ अ गुड आइडिया। तो यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं किंग ब्लेडर सेट की, और ये एक्चुअली में कोई अनबॉक्सिंग नहीं है, ये एक प्रकार का रिव्यू वीडियो है। तो काफ़ी टाइम हो गया, ये मान लो अप्रॉक्सीमेटली 1 month रिव्यू आप बोल सकते हो इसको। तो यस गाइस, आज हम इस किंग ब्लेडर सेट के बारे में बात करने वाले हैं, और मैं बताने वाला हूँ क्या ये प्रोडक्ट वर्थ इट है या नहीं, तो इस पर ही बात करेंगे। तो गाइस, इससे पहले कि बात करें, एक बार मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ आपको बॉक्स पे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट पेटेंट रजिस्टर्ड है। तो यस, ये प्रोडक्ट इंडिया में पेटेंटेड है, सो इट्स नॉट फेक और समथिंग। तो इसको पेटेंट लिया गया है। और गाइस, आप में से बहुत लोग बोलोगे कि ये रिजेंबल करता है ड्रसील और ड्रिगर की तरह, तो यस, ये बेस उनसे इंस्पायर्ड है। ये सेट टकारा टॉमी के ओजी बेस से इंस्पायर्ड है, बट दिस इज एन ओरिजिनल इम्प्रूव्ड सेट। तो उस पर हम आते हैं गाइस, लेकिन अभी एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये ISI का मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि ये ISI द्वारा प्रमाणित है। और इधर पे हमें कंपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और इधर मेक इन इंडिया का लोगो भी मिल जाता है। और गाइस, कमाल की बात ये कि इसका मैक्सिमम प्राइस है 825 रुपये, तो कई सेलर्स आपको इससे ज़्यादा में बेचने की कोशिश करेंगे इंडिया में, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो 825 रुपए के हिसाब से हम इसको जज करने वाले हैं, ना 700, ना 600, ना 1000 रुपए। तो क्या 825 रुपए में ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं? क्योंकि गाइस, हम 400-500 रुपए में फेक मेटल बेस या प्लास्टिक बेस के सेट खरीद लेते हैं, और वो यूजुअली इतने अच्छे नहीं निकलते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या अपनी मेड इन इंडिया चीज में दम है या नहीं। तो चलो मैं बॉक्स खोलता हूँ फटाक से, और आपको ऑलरेडी पता है इसमें क्या क्या निकलता है, तो कोई डाउट वाली बात है नहीं यहाँ पे। और आज मैं स्टेडियम को बॉक्स में ही रखने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला था। तो गाइस, ये सब मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका था। तो यहाँ पे हमें एक गन लॉन्चर मिलता है, जो कि मैं बोलूँगा ठीक ठाक है। कभी कभी अच्छा वर्क करता है, कभी कभी थोड़ी सी निराशा होती है, लेकिन हाँ ठीक ठाक है। और पर्सनली बोलूँ तो ये वाले लॉन्चर ज़्यादा बेटर रहते हैं, कुछ हद तक ये OG लॉन्चर जैसे ही हैं, और क्वालिटी ठीक ठाक है। ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड, और पर्सनली मेरा फेवरेट है ये। और अगर आपकी एज कम है गाइस, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला बेज़्यादा यूज़ करो, बट मैं बोलूँगा अगर आपकी 13-14 से कम है, तो ये आपके लग सकता है। इवन अगर आप यूज कर रहे हो, तो ऐसे पकड़ने वकड़ने कोशिश मत करना, बट दिस इज अ वेरी फन टू यूज, मजा आता है इसको यूज करके। और इसके आगे मतलब मेटल वेज भी नहीं टिकते। और ये दोनों गाइस काफी हल्के हैं, ये काफी हल्का है, बट ये देखने में ड्रिगर लेस जैसा लगता है, जो कि काफी अमेजिंग फीलिंग है, तो ये अच्छी बात है। और ये ड्रसील लेस जैसा लगता है। तो गाइस, ये दोनों बेस OG के बेस से इंस्पायर्ड है, बट जो इन पे सिस्टम अप्लाइड है वो टोटली डिफरेंट है। वो खुद का इंडिया का अपना डेवलप्ड सिस्टम है, ट्वाइजी कंपनी का। तो इसमें एक मेटल रिंग यूज़ की है, उसके नीचे बेस लगाया है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा प्लास्टिक का क्वालिटी ठीक है। एक अच्छी बात इसमें यह है कि जो हम फेक्स खरीदते हैं, उसमें जो मेटल यूज़ होता है उसमें लेड होता है, बट चूंकि ये इंडिया में बना है, तो ड्यूरेबिलिटी और लेड वेड का कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं गाइस। और मुझे तो यार ये वाला बे बहुत अच्छा लगा, हल्का है बट ओवरऑल साइज वाइज के हिसाब से बहुत अच्छा लगा। तो ये गाइस हो गई इसकी बात। अब मैं नीचे से रिपकॉर्ड निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे 3 रिपकॉर्ड मिलती हैं, और पर्सनली मुझे लगता है कि ये जो सबसे लंबी वाली रिपकॉर्ड एक गन लॉन्चर के लिए बनी है, बट मुझे नहीं पता यार मैं इतनी लंबी रिपकॉर्ड खींच पाऊँगा या नहीं, तो मैं छोटी वाली ही यूज़ करने वाला हूँ। बट ओवरऑल हाँ ठीक है यार, मतलब इतनी लंबी रिपकॉर्ड मैंने नहीं देखी लाइफ में, तो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। ये दोनों भी कोई बहुत छोटी नहीं है गाइस, ये भी काफ़ी बड़ी रिपकॉर्ड है। रिपकॉर्ड यहाँ काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है, अब देखेंगे कैसी काम करती है। और वैसे मैंने यूज़ की हुई है, एवरेज ही है। और गाइस, ये स्टेडियम को ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे पास एक और है इसका। तो मैं कुछ चीजें बता दूं, तो गाइस जो ट्यूब ब्लेडर सेट आता है ट्वाइजी का, उसका स्टेडियम क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। और जब मैंने इसको लिया था, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इसका भी क्वालिटी वैसे ही एकदम हार्ड प्लास्टिक होगा, बट ये फाइबर है। ओवरऑल स्टेडियम अच्छा है, बट अगर ये प्लास्टिक होता तो मुझे देख के मजा आ जाता, लेकिन खैर ओवरऑल स्टेडियम अच्छा है तो कंप्लेन नहीं कर सकते। और मैं एक चीज बता दूं गाइस, थोड़ा सा इसको केयर से हैंडल करिएगा, क्योंकि कई बार जब आता है तो इसमें स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखो क्रैक आया था, तो धीरे धीरे से फटने लगा था, तो मैंने यहाँ पे सुपर ग्लू लगा दिया है, तो अभी ये रुक गया है। तो यही बोलूंगा यार, अगर स्टेडियम को आप सही से यूज करोगे तो अच्छे से चलेगा। आप इसमें DB या बस चलाओगे तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा, नहीं बचेगा। तो ऐसे बेस अच्छे काम करेंगे, इवन मेटल बेस भी अच्छे इसमें काम करते हैं, तो ये बात है। तो चलो अभी गन लॉन्चर की यार एक बार बात कर लेते हैं।
तो सबसे लंबी वाली रिपकॉर्ड कहाँ गई, इसी से मैं ट्राई करने वाला हूँ, देखते हैं गन लॉन्चर कैसा वर्क करता है। तो थोड़ा सा मुझे कभी कभी दिक्कत होता है गन लॉन्चर के साथ कि जब रिपकॉर्ड नहीं जाता है। और एक चीज़ और है जो मुझे फील होता है कि गन लॉन्चर में, हाँ, ये दोनों एक साथ कनेक्टेड नहीं है, तो मतलब ये एक रिपकॉर्ड, जब ये रिपकॉर्ड यहाँ तक पहुँचती है तो तब ये घूमना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये है कि इसको ज़्यादा स्पिन मिलता है, इसको कम स्पिन मिलता है, तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। बट हाँ, ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म लगाने के चक्कर में ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बट वो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं। और एक और प्रॉब्लम मुझे लगी गन लॉन्चर में, वो ये है गाइस कि जैसे अगर आप इन दोनों बेस के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो बड़े वाले बेस आई डोंट थिंक सो कि गन लॉन्चर में अच्छे से वर्क करेंगे, जबकि छोटे वाले अच्छे काम करते हैं। फिलहाल ट्राई करते हैं, लेट इट रिप। और हर डुओट्रॉन लॉन्चर की तरह इसमें भी वही दिक्कत है जो हर एक में होती है कि गाइस अगर आप सिंगल सिंगल लॉन्चर से इस टाइप के बेस लॉन्च करोगे तो बहुत अच्छे लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन जब गन लॉन्चर यूज़ करोगे तो क्या होता है ना कि ये जो आप पावर दे रहे हो ये पावर डिवाइडेड हो जाती है, तो कभी किसी वे को अच्छी पावर मिलती है, कभी किसी वे को अच्छी पावर मिलती है। और इस वजह से एक, मतलब मैं बोलूँगा गन लॉन्चर हो या कोई भी डुओट्रॉन लॉन्चर हो डुअल वाला, सब में ही पावर अच्छा नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। तो ओवरऑल मतलब कभी कभार यूज़ के लिए अच्छा है, बट मैं बोलूँगा ये सिंगल वाले लॉन्चर सबसे बेहतरीन होते हैं। एक लास्ट ट्राई और करते हैं, लेट इट रिप। हाँ, तो मैं पर्सनली गन लॉन्चर यूज़ करना प्रेफर नहीं करता हूँ, और रीज़न यही है यार कि ये पावर जो डिवाइडेड हो जाता है ना तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। प्लस जैसे ही आपकी रिपकॉर्ड इधर को क्रॉस करती है तो ये वाला बे रिलीज़ होता है जबकि ये वाला नहीं होता, तो दोनों अलग अलग टाइम पर रिलीज़ होते हैं और उसकी वजह से यूजुअली एक बे अनबैलेंस भी हो जाता है। तो ठीक है, मतलब गन लॉन्चर देखो अकेले खेलने के लिए, फ़न के लिए अच्छा है, बट मैं बोलूँगा यार ये ज़्यादा बेटर है। अब इसकी बारी है, इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वाला भी हटा देता हूँ, मैं ड्रिगर ले आता हूँ वापस, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास। तो चलो गाइस एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, लेट इट रिप। ओवरऑल डिसेंट लॉन्च, और मुझे सच बताऊँ ये वाले लॉन्चर अच्छे लगते हैं कंपेयर टू गन लॉन्चर। तो हो सकता है आपको अच्छा लगे, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये नॉर्मल वाले ही रहते हैं, उनका क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है। लेट इट रिप। और गाइस मुझे इन सब सेट्स में ऑब्वियसली ये तो अच्छा ही लगता है, बट सबसे अच्छा बे ये लगता है यार, वेट वगैरह साइज वगैरह के मामले में। तो ये बेस वगैरह तो अच्छे हैं, बट गाइस अब मेन चीज़ पे बात करते हैं। तो देखो यार, मेन पैसा इस सेट में आप दे रहे हो स्टेडियम का, क्योंकि आपको पता है इंडिया में किसी भी बेब्लेड या किसी भी स्पिन टॉप के लिए स्टेडियम लाना बहुत दिक्कत वाली बात है, और अच्छे स्टेडियम मिलते नहीं है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। तो पर्सनली मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट स्टेडियम इंडिया में है जो अवेलेबल है अभी आज की डेट में। अब इसका सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है, क्योंकि गाइस मैंने बहुत लोगों से बात की है परचेस करने से पहले, और मैंने भी दो इसलिए ही परचेस करके रखे हैं क्योंकि क्या है गाइस, ये फाइबर के बने, तो किंग ब्लेडर सेट में स्टेडियम फाइबर का होता है जबकि टू ब्लेडर में फुल ऑन प्लास्टिक होता है, जो कि बहुत गजब की बात है। तो गाइस ये फाइबर के होते हैं, तो कुछ टाइम बाद 6-8 महीने बाद अगर आप काफी यूज करते हो तो यहाँ पे डेंट और क्रैक्स आना स्टार्ट होंगे अगर आप हैवी बैटल करते हो, और फिर धीरे धीरे स्टेडियम टूट जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है क्योंकि इंडिया में बनते तो इनकी सप्लाई नहीं खत्म होने वाली है, टूट जाए दूसरा खरीदो। मैं तो बोलता हूँ उल्टा एक एक्स्ट्रा खरीद के रखो जैसे मैं रखता हूँ, क्योंकि यार पता नहीं यार कब क्या हो जाए, कौन तोड़ दे, कहाँ खो जाए, क्या जाने। तो गाइस अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ओजी मेटल और बर्स्ट तीनों के बेस से आपको चला के स्टेडियम को दिखा देता हूँ कि कौन सा इसमें बेस्ट चलता है। वैसे आपको ऑलरेडी पता है, बट मैं डेमो कर देता हूँ फिर भी। तो गाइस चलो यार पहले ओजी टेस्ट कर लेते हैं, और गाइस काफी मैंने फैला डाला है सामान, खैर कोई टेंशन नहीं, उसको आप इग्नोर करो। तो चलो पहले एक ओजी करते हैं। तो गाइस करते हैं मास्टर डसील वर्सेस मास्टर ड्रिगर, सो लेट इट रिप। और क्या गजब का लॉन्च है मास्टर डसील का, मास्टर ड्रिगर बारी, लेट इट रिप। और गाइस ये देखिए मास्टर ड्रिगर के अटैक, लेकिन मास्टर ड्रसील है पावरफुल। तो गाइस ये था ओजी का बैटल जो कि काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली। और गाइस मैं बता दूं कि ये स्टेडियम एचएमएस स्टेडियम से इंस्पायर्ड है, तो एचएमएस स्टेडियम थोड़ा सा छोटा होता है इससे, लेकिन ये एग्जैक्ट वही बड़े साइज में है, तो यस ये एक अच्छी बात है। और अभी हम लोग क्या करते हैं गाइस, मेटल भी ट्राई कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ओजी देखो चल गया तो ऑब्वियसली एचएमएस तो चलना ही चलना है, मैंने यूज़ किया हुआ, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेटल ट्राई करते हैं फिर इस पर बर्स्ट ट्राई करेंगे। तो गाइस अब मेटल भी ट्राई कर लेते हैं, तो ये है स्टॉर्म कैप्रिकॉन और ये है थर्मल लसर्टा। तो चलो देखते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छे बेस हैं और काफ़ी अच्छा अटैक पावर है दोनों का ही, तो अग्रेसिव तो होने वाला, देखते हैं। लेट इट रिप, लेट इट रिप। तो गाइस मेटल ये स्टेडियम बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और करता है,
तो ये गजब की बात है। तो और पर्सनली बोलूँ तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टेडियम है मेटल का, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पास BB10 स्टेडियम नहीं है, तो बर्स्ट के बाद मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। तो गाइस OG और मेटल इवन HMS ये सारा इसमें अच्छा चलता है, बट दिक्कत कब आती, दिक्कत आती है मेनली बर्स्ट में। तो मैं बर्स्ट लेके आता हूँ और बर्स्ट भी ट्राई करके देखते हैं। तो गाइस मैं बर्स्ट भी ले आया हूँ, एस ड्रैगन वर्सेस स्लैश जोकर, तो चलो देखते हैं ये कैसा होता है। और ये गाइस दोनों GT बेस हैं, तो देखते हैं। लेट इट रिप, लेट इट रिप। और गाइस ये दोनों ज़्यादा अग्रेसिव नहीं, फिर भी आपने देखा अभी स्टेडियम पे काफ़ी हार्ड अटैक हुआ था और काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट हुआ था। तो मैं यार इस टाइप की बैटल्स स्टेडियम में करना प्रेफर भी नहीं करता हूँ। अगर आप ले रहे हो तो इतने बड़े बेस को मत यूज़ करो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अप टू टर्बो तक के बेस आप इसमें बर्स्ट के यूज़ कर सकते हो, उसके ऊपर मत ट्राई करना, क्योंकि यार मतलब ये बेस थोड़े ज़्यादा हैवी और थोड़े ज़्यादा बड़े हैं स्टेडियम के हिसाब से, और ये आपके स्टेडियम को डैमेज कर सकते हैं। और मैं तो इसमें बर्स्ट यूज़ करना ही अवॉइड करता हूँ, तो आप भी मत करना। तो यस गाइस ये थी मेन बात, इतने पॉइंट्स मुझे आपको बताने हुए थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ में क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें हमको मिलती किंग लेडर सेट में, वही 3 रिपकॉर्ड मिलती जिसमें से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी रिपकॉर्ड है, तो आप उसको रख सकते हो किसी बड़े मैच में अगर आपको यूज़ करना हो ज़्यादा पावर के लिए। और ये गन लॉन्चर है जो कि मेरे हिसाब से एवरेज है, तो ये फन टू यूज़ है अगर आप खुद के हंसी मजाक और खेल के लिए यूज़ करना चाहते हो। बाकी अगर आप किसी से अग्रेसिव बैटल करना चाहते हो तो ये उस पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये एक एवरेज प्रोडक्ट है, मुझे ये इतना कुछ खास नहीं लगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे। जबकि इस लॉन्चर का क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगा और सही क्वालिटी है यार इसका। यस गाइस इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया है और ओवरऑल अच्छा है यार। और इसका लॉन्च पावर भी मुझे अच्छा लगा था, तो ये लॉन्चर सच में मतलब अच्छा लगा मेरे को। तो यस ये लॉन्चर गाइस काफ़ी सही है। और गाइस इन तीनों की बात करें तो ये तो मैंने बता दिया कि यार ये तो मुझे बहुत गजब का लगता है। तो यस गाइस ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बट मैं यही बोलूंगा कि अगर आपकी एज कम है तो इसको अगर घुमाएं तो हाथ वाथ से ना पकड़ें। बाकी इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया, एक बार कर लेते हैं। तो इसका जो पावर है वो देख के मजा जाता है। लेट इट रिप। तो मैं फिर से बोल देता हूँ गाइस, जो लोग कम एज के हैं लाइक 13-14 से कम की एज अगर आपकी, तो आप इसको कम ही यूज़ करें। और मैं तो बोलूँगा यार इसको ऐसे मत पकड़ना, मैं भी नहीं पकड़ता हूँ। लेट इट रिप। तो इसका पावर देखो क्या गजब पावर है। और मैं तो इसको ऐसे धीमे करके रोकता हूँ। तो यस गाइस तो इसको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करें, वैसे ये प्रोडक्ट अच्छा है और मेरा पर्सनल फेवरेट इस सब में से ये है। तो ये काफ़ी अच्छा बे है और जंबो टॉप या ट्वाइजी के मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं। उसका रीज़न ये कि इनका वेट ठीक ठाक होता है, बहुत हैवी नहीं होते हैं, OG के लगभग सिमिलर वेट होता है और साइज काफ़ी अच्छा है और स्पिन टाइम वगैरह भी बहुत अच्छा, बहुत बैलेंस है। ये थोड़े से ज़्यादा जहाँ पे हल्के पड़ जाते हैं। तो यस गाइस अगर इन पे किसी तरह से मेटल का क्वांटिटी बढ़ा दिया जाए तो थोड़ा वेट होगा तो इनका बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। ओवरऑल ये भी अच्छे हैं, इसी के साइज के अगर बे से बैटल कराओगे तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑब्वियसली बात है उससे बड़े बेस से बैटल कराओगे तो इनका कोई चांस नहीं है। तो यस गाइस ओवरऑल तीनों बेस अपनी जगह अच्छे हैं, मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा लगा। बाकी आप बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। और गाइस आखिरी में ये स्टेडियम जिस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बता दूं गाइस कि अगर आप इसके 800-900 रुपए दे रहे हो तो ये मान के चलो कि आप इस स्टेडियम के लिए पे कर रहे हो, क्योंकि यार इस स्टेडियम की वैल्यू काफी अच्छी है और ये काफी यूजफुल है। और सच बोलूं तो गाइस अगर आप ऐसा स्टेडियम कहीं बाहर से इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे या किसी और ब्रांड का लेने की कोशिश करोगे, 1000 रुपए इजिली लग जाते हैं। तो मैं बोलूंगा यार ये स्टेडियम का ही कॉस्ट अकेले पूरे सेट के बराबर है। तो अगर मेरे को ये सारा सामान ना भी मिले तो मैं सिर्फ स्टेडियम खरीदने को तैयार हूँ इस रेट में। तो ओवरऑल मैं बोलूं यार ये सेट वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर ये वीडियो गाइस कभी भी ट्वाइजी के पास पहुंचे तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस स्टेडियम को फाइबर की जगह फुल प्लास्टिक कभी बनाए, प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए चलेगा, लेकिन अगर इसको फुल प्लास्टिक बनाते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। और मैं पर्सनली उस दिन का इंतजार
करता हूँ, क्योंकि उन्होंने टू ब्लेडर सेट में ऐसा स्टेडियम, पूरा प्लास्टिक का स्टेडियम बनाया था, तो मुझे लगता है वो कर सकते हैं। तो यस गाइस, मज़ा आ गया और मैं बस यही होप करता हूँ गाइस कि ट्वाइजी जैसी कंपनियाँ आगे भी ऐसे अमेजिंग बेस बनाती रहेंगी। और देखने वाली बात तब होगी कि देखो इन्होंने अभी ओजी के बेस बनाए हैं अपने हिसाब से सिस्टम डिज़ाइन करके, बस्ट या मेटल के बेस कब बनाएंगे, अगर बस्ट और मेटल के बेस भी जल्दी आ जाएँ तो मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल गाइस ये सेट काफ़ी अच्छा है, आप इसको लोकल मार्केट, फर्स्ट क्राई कहीं भी देख सकते हो, जहां आपको मिल जाए आप परचेज कर सकते हो। कॉस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर 1000 रुपये के में भी अगर आपको कहीं से सेट मिलता है तो वर्थ इट है, क्योंकि मैंने पहली बार इसको 1000 रुपये में ही खरीदा था, दूसरी बार मुझे सस्ता पड़ा। तो यस गाइस, ये था आज का वीडियो, अब अपने थॉट्स को बताना कमेंट सेक्शन में। और ये था मेरा कुछ एक महीने से कुछ ज़्यादा यूज़ करने के बाद ऑनेस्ट ओपिनियन। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।